आज की वीडियो के अंदर बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपको ले आया विंटरलैंड के अंदर, जहां आप बर्फबारी के भरपूर तरीके से मजे ले सकते हैं, जिसका टिकट 1500 रुपए का है, जो इन्होंने स्पेशल डिस्काउंट नए साल की खुशी के अंदर 1000 रुपए का टिकट किया हुआ है, जहां पे आप बर्फ के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, स्नोफॉल के मजे ले सकते हैं, साइकिलिंग चला सकते हैं। और ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए, तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपका भाई सर्दियों की तलाश के अंदर पहुंच गया विंटरलैंड। विंटरलैंड के अंदर सुना है -10 डिग्री पे ये चल रहा है अंदर, तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। स्नोफॉल भी है सुना है, बहुत सारे एंजॉयमेंट है, और इसकी सारी तफसील जो है मैं आपको सारी एंड में बताऊंगा, इसकी टिकट्स के बारे में, टाइम के बारे में। तो चलते हैं अंदर, इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो आ जाए हमारे साथ। विंटरलैंड के अंदर आ गए। अच्छा, ये जैकेट दी है ताकि आगे जहां हम अंदर जा रहे हैं वहां ठंड है, ये हाथों की हमें रफ मिले, इसको यूज करना है। ये हम आ गए विंटरलैंड के अंदर, और यहाँ टेम्परेचर आप देख सकते हैं, मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। -10 की डिग्री पे हम लोग आए हुए, ये दिखा सकते हैं आपको, ये देखें आप, ये देखें आप, पूरा बर्फ से बना हुआ ये। वाह यार, आपको अंदर भी दिखाते हैं, ये देखें आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है अभी। चले आए आपको दिखाते हैं ये चाइना, ओए होए 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 होए, देख सकते हैं आप ये माहौल, देखिए वाला खूबसूरत जबरदस्त। ये देखिए, ये देखिए, वाओ। अच्छा, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -10 है, आप देख रहे होंगे ठंडे में नाक तक लाल हो रही होगी। तो आप लोग आए तो खास तौर पे ना ये मोजे और ये नाक जैकेट से तो आपको इतनी महसूस नहीं हो रही ठंड, पर ये नाक पे जो है ना वो हवा बहुत टच कर रही है, बहुत लगी है, और इतना प्यारा मंजर हो रहा है ना, यकीन मानो कि ऐसा लग रहा है कि मैं नॉर्दर्न एरिया के अंदर पहुंचा हूं। तो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं इसकी एक्टिविटी। अच्छा, यहां पे बच्चों के लिए मुख्तलिफ किस्म की राइड्स हैं तफरी के लिए, तो आप ये देख सकते हैं काफी इंजॉयमेंट हो रही है, साइकिल भी है, आप बर्फ के ऊपर चला सकते हैं, फुल इंजॉयमेंट हो रहा है, झूले भी है, आप झूले भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं बड़े भी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग आए जरूर, यहाँ पे बड़ा मजा आएगा। अच्छा, आप देख सकते हैं बच्चे और बड़े सब राइड्स एंजॉय कर रहे हैं, और बड़ी तफरी आ रही है और बहुत मजा आ रहा है, तो आप लोग भी आए यहाँ पे फुल एंजॉय करें। अब यहाँ देख सकते हैं स्लाइड्स पे, देखें अब ये देखें, बड़े छोटे बड़े सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं और बहुत तफरी आ रही है, तो आप लोग भी जरूर आए यहाँ पे फुल एंजॉयमेंट करें। आए आए आगे भी आपको तफरी दिखाते हैं, ये देखें ये भी स्लाइड है भाई, असल जगह पे अब पहुंच गए स्नोफॉल के ऊपर, तो चलते हैं यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं, चले हमारे साथ। वाओ यार, यहाँ पे हम फुल मजे ले रहे हैं मरी के, फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं आप ये देखे। पिछली दफा मरी में गए हम, नॉर्थन एरिया में गए, ये मजे हमें वहां नहीं मिले जो कराची शहर के अंदर मिल रहे हैं, तो बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है। तो आप लोग जरूर आए भाई, ऐसी जगह आपको कराची के अंदर मिल रही है, जो शख्स नॉर्थन एरिया नहीं जा सका तो वो इस टाइम कराची के अंदर एंजॉय कर सकता है विंटरलैंड के अंदर। ये देख सकते हैं अभी ये जिप लाइन हो रही है, यहाँ पे जिप लाइन की भी सहूलत है, इस
पे भी एंजॉय कर सकते हैं आप लोग। ये देखें आप, क्या बात है, आप ये एंजॉय भी कर सकते हैं, झूला भी झूल सकते हैं, फुल एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत तफरी आ रही है यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये यकीन माने ठंड -10 पे, ये मेरी नाक आप देख सकते हैं फुल लाल हो रही है और मेरे अल्फाज निकल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये देखें आप, बहुत ज़्यादा ठंड है और मज़ा बहुत आ रहा है, फुल इंजॉय कर रहा हूँ मैं भी। बच्चे भी आप इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। अरे आए, वाओ, खूबसूरत जगह है। वाओ, कितनी खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं। ये देखें जी, विंटर लैंड म्यूजिक बजाए, क्या देखें, कैसे लग रहा है विंटर लैंड आके आपको? माशाल्लाह अच्छा है, और यहाँ पे खासकर जो राइड्स वगैरह हैं वो ज्यादा अच्छी है। थोड़ा सा लगती है मुझे, स्लिप बहुत ज्यादा हो रहा है, जब भी यहाँ पर आए तो जरा सेफ्टी से आए। कराची के अंदर जो विंटर लैंड बना है, जो नॉर्दर्न एरिया इधर नहीं जा पा रहे उनके लिए कैसी जगह है? बहुत ज्यादा जगह है, मतलब एक सस्ती जो मिल रही है वो कराची जैसे शहर में मिल रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए समझ लें कराची का तोहफा है, मजा आ रहा है आपको? जी बहुत मजा आ रहा है, सर्दी में मजा मजा आ रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है साइकिलिंग के अंदर, बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी आए, इसमें छोटे बड़े सब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा देखें, साइकिलिंग भी हो रही है, ये देखें आप, और डोजिंग कार भी है यहाँ पे, डोजिंग कार के अंदर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छी एक्टिविटी है यहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ये ठीक ठाक। विंटर लैंड में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आन के। एंजॉयमेंट कर रही है? जी जी बहुत कर रहे हैं एंजॉयमेंट। क्या क्या एंजॉयमेंट करा? बहुत सब भी कुछ एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब चीजों में गए, साइकिल पे भी गए, झूले में भी गए, मेरी फैमिली आई है, पूरी फैमिली आई है, सब अपनी अपनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब एंजॉयमेंट कर रहे हैं। लग रहा है मरी में आ गए हो? मरी में आ गए जी, मरी तो जा नहीं सकते, कराची में हमें मरी मिल गया, बहुत अच्छा लगा। कराची के अंदर मरी के मजे मिल रहे हैं, बिल्कुल मजा आ रहा है जी। अच्छा यहाँ पे आप कॉफी भी वार कर सकते हैं, और इनके पास आइसक्रीम भी है विंटर लैंड के अंदर, यानी ठंड के अंदर आपको आइसक्रीम भी मिल जाएगी और ये केक वगैरह भी मिल जाएंगे। ये इनके प्राइस है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ आपकी। कैसा लगा आपको आके विंटर लैंड में? विंटर लैंड में ऐसा आके लगा जैसे मिनी मरी, फिलहाल मिनी मरी, मरी जैसा माहौल लग रहा है, बर्फबारी यहाँ होती नहीं है तो यहाँ पे आके लोग, कराची के लोग इंजॉय कर रहे हैं, सर्दी इंजॉय कर रहे हैं, बड़े छोटे सब एंजॉय, बच्चे बड़े छोटे बूढ़े, माशाल्लाह से मैंने तो बुजुर्ग भी लोग देखे हैं जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक फैमिली वाला माहौल है, और ऐसा माहौल तो मेरे ख्याल से मरी में भी नहीं मिलता, तो बहुत मजा आ रहा है। कराची जैसे शहर के अंदर, आप कराची जैसे शहर में सेफ्टी और होती नहीं है, और यहाँ पे आपको बर्फबारी भी मिलेगी, आई थिंक ये -8 और -10 सेंटीग्रेड चल रहा है। आपने क्या क्या एंजॉयमेंट करा? मैंने साइकिलिंग की है, आप यहाँ देख सकते हैं, और ये झूला झूला था हमने, इसके अलावा स्नो है वहाँ पर, ऊपर स्लाइडिंग है, बाकी पिक्चर्स के लिए बहुत प्यारा व्यू बना हुआ है, स्नो फॉल एंजॉय करा है सामने, तो बड़ा मजा आ रहा है। क्या कहेंगे आप कराची वालों के लिए और बाहर के लोग तो आ रहे हैं उनके लिए भी बताएं? बाहर के लोगों के लिए तो अपनी एंजॉयमेंट है मरी वगैरह, लेकिन कराची वालों के लिए ये बेस्ट हो गया इस वक्त के, वो अपना टिकट खर्च करके इतना दूर जाए, इससे बेहतर है वो विंटर लैंड आ जाए। थैंक यू सर। अच्छा मैं आपको ये ओवरव्यू दिखा रहा हूँ यहाँ का, ये आपने देखे मेरे बिल्कुल सामने स्नोफॉल हो रही है, सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और मेरे ही साथ के अंदर ये जिप लाइन है,
यहाँ बच्चे इंजॉयमेंट कर रहे हैं, बड़े इंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये स्लाइडिंग है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ से इंजॉयमेंट कर रहे हैं सारे। ये तीन चार राइड्स है और आगे आप देख सकते हैं साइकिलिंग हो रही है। ये देखें आप जिप लाइन हो रही है। ये जिप लाइन की भी सहूलत यहाँ पे दे दी, पहले नहीं थी ये, इस दफा यहाँ इन्होंने नया इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया ये। अच्छा, ये मेरा था विंटरलैंड का विजिट, मैंने आपको पूरा विंटरलैंड पूरा आपको मैंने विजिट कराया। पर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप सुन लें कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -10 पे, जिसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके शूज़ जो हैं वो अच्छे वाले होने चाहिए, क्योंकि पाँव में वो ठंड आ रही है। मोज़े जो हैं वो भी आपके अच्छे वाले होने चाहिए, जो यहाँ को टेम्परेचर बताए, वरना फिर आप ज़्यादा देर यहाँ पे इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। और हाथ पे अगर आपके पास यहाँ से मिल जाती है, ये जैकेट भी मिल जाती है, और ये थोड़ा सा कम है, मगर ये नाक के ऊपर ये चीज़ें भी बहुत ठंड से जो है आपकी नज़ला हो सकता है और मजीद तबीयत आपकी ख़राब हो सकती है। चले इनके हिसाब से जानते हैं और इनसे मालूमात लेते हैं यहाँ की ट्रेनिंग की, टिकट की, तो चलते हैं। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद मिनहाल नाम है। मिनहाल भाई, आप ये बताएं कि यहाँ की सारी टाइमिंग तफसील बताएं, टिकट बताएं। यहाँ पे ऐसा है कि 1500 का जो टिकट है वो अनलिमिटेड टाइम है उसका, अभी ऑफर चल रही है इसकी, दो तीन महीने से अनलिमिटेड टाइम चल रहा है 1500 वाला है। और इसी में एक 2500 वाला टिकट है, वो दोपहर 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आप अनलिमिटेड टाइम एंट्री एग्जिट हो सकते हैं। और इसमें स्नैक्स फ्री है और फोटोज फ्री है, सब चीजें यानी कि फ्री है। 2500 वाला ज्यादातर प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अच्छा है, थोड़ा सा हो जाएगा ना। अभी आपको सर्दी लग रही है, आप बाहर जाते हैं, बाहर से आके फिर रेस्ट करके फिर दोबारा अंदर आ जाए, फिर इंजॉय करें आके फिर बाहर चले आए, उसमें ये है। अब स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड में एक बार एंट्री है, एक बार एग्जिट है। आप बाहर चले गए आपका टिकट जाया हो जाएगा, जी ऐसा सिस्टम है। अच्छा, ये जो आपके पीछे है इसका क्या चार्जेस है? ये 360 ट्रेंडिंग वीडियो कहलाती है। आप इधर आपका बंदा जो भी होगा बीच में सेंटर में प्लेटफॉर्म में खड़ा होगा, सही, इसमें आपका पोजेस करेंगे, जैसे यू कर ले ऐसे कर ले ऐसे कर ले, एंजॉय करना होता है इसमें। अच्छा, इसके 400 चार्जेस है वीडियो के। अच्छा, अगर आप डील लेते हैं वो 599 की डील है। अच्छा, उसमें एक पिक्चर प्रिंट है। अच्छा, वही पिक्चर व्हाट्सएप सेंड करते हैं और एक ये वीडियो देते हैं, 360 ट्रेंडिंग वीडियो, वो अच्छी होती है, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर भी होती है और हाई रेजोल्यूशन ये भी होती है, वीडियो भी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपने देखा, ये मैंने साहब से पूछा, उन्होंने सारी तफसील बताई है। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट से जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज। चले आए आपको विंटरलैंड का कैसे दिखाते हैं, आ जाए। ये कैफे विंटरलैंड वालों का, यहाँ आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सिटिंग एरिया बड़ा अच्छा बना हुआ है इनका। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, बस अल्लाह का। कैफे बेसिकली ये जो है फास्ट फूड है, और जिसके अंदर मुख्तलिफ आइटम है। हमारे पास जिंगर है, बीफ है, चिकन है, इसके अलावा चिकन स्ट्रिप्स है, नगेट्स है, और बच्चों की डील्स वगैरह, डील वन है, डील टू है। जिसके अंदर जिंगर बर्गर है, 1% की डील वन है और 2% की डील टू है, यानी कि 2 बर्गर फ्राइज एंड ड्रिंक के साथ है। और इसके अलावा डिफरेंट यानी चाय कॉफ़ी वगैरह सब आपको अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पर, सब चीज़ें। इसकी टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग दोपहर 3 से रात 11:30 बजे तक, 11:30 बजे, यानी कि जो विंटरलैंड का टाइम है वही अटैचमेंट टाइम है इसके साथ। थैंक यू।